आज मैं आपको ऐसे ही कुछ परिवारों से मिलवाने जा रही हूँ। आइए चलते हैं एक ऐसे परिवार की ओर जहाँ 12 वर्ष की एक बच्ची स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है। क्या बात है बेटा, तू अब तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुई? जल्दी कर, तू बाल बनाने में बहुत देर लगाती है। मुझे सारा काम खत्म करके खेत में भी जाना है। माँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। देखो ना, मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। माँ बेटी को अंदर ले जाकर परेशान होती हुई बाहर आती है और कहती है, अब 5 दिनों तक घर में यहाँ वहाँ घूमती रहना और एक ही जगह बैठ जाना, जरा रुको। लो, अब एक और सेमेस्टर शुरू हो गई। माँ, आज तो स्कूल में मेरा डांस प्रोग्राम है, मुझे स्कूल जाना है। नहीं बेटा, इस हालत में डांस करने की तो सोचना ही मत, और स्कूल भी अब 4-5 दिन के बाद ही जाना। अब जल्दी से कपड़ा ले लो और कुछ दिन तक तुम स्कूल नहीं जा पाओगे। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो पूजा बेटा, मैं भी ये कपड़ा इस्तेमाल करती आई हूँ और तुम्हें भी इसी का इस्तेमाल करना होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आइए अब हम दूसरे परिवार के पास चलते हैं और देखते हैं कि समान परिस्थिति में उन्होंने क्या किया। क्या बात है बेटा, तुम अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुई हो? जल्दी करो बेटा, तुम बाल बनाने में बहुत देर लगाती हो। मुझे सब काम निपटा कर फैक्ट्री भी तो जाना है। माँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। दोनों अंदर जाते हैं और माँ बाहर आते हुए कहती है, चिंता मत करो बेटा, रुको, मैं अभी सैनिटरी नैपकिन लेकर आती हूँ। माँ, क्या मुझे वही हुआ है जिसके बारे में तुमने मुझे समझाया था? हाँ बेटा, यह हर लड़की के जीवन में आने वाली सामान्य प्रक्रिया है। आज से तुम्हें हर महीने के 5 दिन इससे गुजरना पड़ेगा। चलो ये नैपकिन ले लो, इसके साथ तुम अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन कर पाओगी। तब तक मैं तुम्हारा बैग और टिफिन पैक कर देती हूँ। निशा, सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, सब ठीक है। अब मैं स्कूल जाऊँ? हाँ बेटा, बिल्कुल निश्चिंत होकर स्कूल जाओ। ये लो एक्स्ट्रा पैक्स, इन्हें अपने बैग में रखो और इन्हें 4-6 घंटे में चेंज कर लेना। सच्चाई सुरक्षित प्रोडक्ट्स की पहुंच ना होने के कारण महामारी के दौरान हमारी कई बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, लेकिन हाइजीन कैंपेन के माध्यम से कीसोल ने महामारी संबंधित सही शिक्षा प्रदान करते हुए महामारी स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाकर दूर दराज के क्षेत्रों तक सुरक्षित प्रोडक्ट्स पहुंचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। आइए हम आगे देखते हैं कि इन दोनों परिवारों की व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में क्या सोच है। अरे पूजा की माँ, जल्दी से नहाने के लिए पानी गर्म रख दो। इतने जल्दी आ गया? मैं अभी खाना देकर फैक्ट्री आने ही वाली थी। हाँ जल्दी आ गया, मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा था। ये निजी अंगों की जलन और खुजली फिर से परेशान कर रही है। ओह, पिछली बार की तरह संक्रमण तो नहीं हो गया? लगता है फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पहले नहा लेता हूँ, फिर देखते हैं, काश इस समस्या से कोई निजात मिल जाए। आइए अब हम वापस दूसरे परिवार के पास चलते हैं
और देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी समान परिस्थिति को उन्होंने कैसे दूर किया। अरे ओ निशा की माँ, नहाने के लिए पानी दो। आ गए आप, मैं अभी आपके नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। हाँ, और साथ में कीसो इंटीमेट वॉश भी देना। हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ। जब से आपने इसका इस्तेमाल शुरू किया है आपको बहुत राहत मिली है। हाँ, पहले मुझे खुजली और जलन के मारे फैक्ट्री में काम करते वक्त बहुत मुश्किल होती थी और अब यह घर भी आती थी, लेकिन हर रोज इंटीमेट वॉश का प्रयोग करने की आदत से अब मैं बहुत ही आराम से काम करता हूँ। यह लीजिए आपका इंटीमेट वॉश, अब जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। कुछ पाने की हो आस पास, कोई नरमा हो जो हास हास आशा है, हर कोशिश में हो बार बार कर दुनिया हो बार बार आशा है, देखा आपने व्यक्तिगत स्वच्छता महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कितना आवश्यक है और कैसे कीसोल के उत्पाद इस दिशा में एक सामाजिक क्रांति ला रहे हैं। वास्तव में कीसोल से जुड़ने के बाद मैं गांव से लेकर शहर के सभी स्कूलों में गई। वहां स्कूल की बच्चियों से मिलने के बाद मैंने जो अनुभव किया उसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आइए देखते हैं। बस आज के लिए तो बहुत खेलने मेरा हो गया। क्या हुआ, शुरू किए 15 मिनट भी नहीं हुए और तू थक गई। मैं तेरे जरा नहीं हुआ, तो इतने आराम से इतना अच्छा खेलती है, तो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कैसे रहती है खेलते वक्त। मेरा तो पीठ और कंधे के दर्द से बुरा ही हाल हो जाता है। तुझे ये दर्द कब से हो रहा है? जब से मैंने ये स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन करी है तब से। तू कौन सी ब्रा पहन रही है? अरे ये कैसे सवाल हुआ, इसका मेरे दर्द से क्या कनेक्शन? बहन इसी का कनेक्शन है तेरे दर्द से, इसलिए पूछ रही हूँ। अभी तूने मुझसे पूछा ना कि खेलते वक्त मैं इतनी कंफर्टेबल कैसे रहती हूँ, तो उसका सीक्रेट है मेरी स्पोर्ट्स ब्रा। स्पोर्ट्स ब्रा? क्या स्पोर्ट्स के लिए अलग ब्रा होती है? केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, हमारी उम्र की लड़कियों के लिए अलग से बिगिनर्स ब्रा, फिर बढ़ती उम्र के अनुसार और साइज के अनुसार अलग अलग ब्रा होती है। पहले मैं भी तेरी तरह ये सब नहीं जानती थी। पिछले साल मेरी कजिन मिंडी दीदी घर आई थी, तब उन्होंने मुझे गलत फिट पहनने से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया और कीसोल के बेहतरीन लॉन्जरी प्रोडक्ट के बारे में भी बताया था। तो अब से खेलते वक्त सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा पहन कर खेलना और आराम से खेलना। अपने कंफर्ट का सीक्रेट मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच यार। आज भी कई महिलाओं और औरतों को अपने इनर वेयर की सही फिट का पता नहीं होता। मैं जब भी महिलाओं से मिली और उन्हें सही फिट चुनने के बारे में समझाया तो मैंने पाया कि उनके लिए यह सब पहली बार था। कीसोल की लॉन्जरी पहनने के बाद महिलाएं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। उन्हें अपने कंधे और पीठ दर्द से राहत मिलती है। जब वह वापस मिलकर यह अनुभव बताती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब मेकअप की बात आती है तो यह लड़कियां मेकअप लगाती हैं,
और लड़के नहीं लगाते इस धारणा को भी कीसोल ने बदला है। मैं जब कॉलेज के लड़कों को कीसोल से परिचित करवाती हूँ तो इसके बाद वे किस तरह स्वीकार करते हैं आइए देखते हैं। सनी हॉस्टल के रूम में आईने के सामने खड़ा रहकर कीसोल रोज डिलाइट प्ले कर रहा है और तभी उसका दोस्त बनी उसे पीछे से देखता है। अरे भाई साहब, लगता है बंठन के मजनू अपनी वेला से मिलने जा रहा है। हाँ यार, आज उसका बर्थडे है। ये कौन सी लड़कियों वाली क्रीम लगा रहे हो बे? हमने सुना था प्यार के लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुमने तो लड़के से लड़की बनने की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये सिर्फ लड़कियों वाली क्रीम नहीं है, इससे बॉय और गर्ल दोनों लगा सकते हैं। और एक बात बताओ, प्रेजेंटेबल और अच्छा दिखना क्या सिर्फ लड़कियों की संपत्ति है क्या? हम तो समझ रहे थे कि तेरे चेहरे की ये चमक भाभी के कारण है, आज पता चला ये तो इस क्रीम का कमाल है। क्रीम का तो ठीक था, अब क्या होठों पर भी लाली लगाओगे? ये लाली नहीं, लिप बाम है, और इसे लगाने से होठ मुलायम और कोमल बने रहते हैं। फिर तो मुझे भी दे, देखना मेरे होठ कितने फटे और सूखे हैं। अब ये क्या बोल रहा है फिर से? ये कीसोल सनस्क्रीन है भाई, जो सूरज के हार्मफुल रेज से हमारी त्वचा की रक्षा करती है, त्वचा को कालेपन जाइयां दाग धब्बों और जलन से बचाती है। यार इन सब की सख्त जरूरत तो हमें भी है, तू बता इसमें और क्या क्या लगाने के लिए? बालों के लिए भी कुछ बता दे यार, इतनी ज्यादा जरूरत है, लगता है कि मैं जल्द ही टकला हो जाऊंगा। यमिनी और कीसोल के रहते तुम्हारे साथ ये कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। ये देखो मोरिंगा हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर और कीसोल हेयर सीरम, इन सबका हेयर केयर रूटीन शुरू कर दो, तुम्हारे बाल फिर से मजबूत, घने और सिल्की हो जाएंगे। इसमें ऐसा क्या खास है? यमिनी के सभी प्रोडक्ट प्राकृतिक तत्वों से बनाए गए हैं, इनमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इसमें जो मुख्य इंग्रेडिएंट है मोरिंगा, उसमें इतने सारे गुण हैं कि ये हमारी त्वचा और बाल दोनों को पोषण देकर स्वस्थ और मुलायम बनाता है, और साथ ही बालों को पुनर्जीवित करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। ये पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री है। आज से ही इस्तेमाल शुरू कर देता हूँ भाई, अब विजय दनाई सही नहीं जाती, देखना मैं जल्द ही तेरे लिए वहां भी लेते रहूंगा। कीसोल मार्केट के अन्य उत्पादों से बहुत ज्यादा बेहतर और किफायती है, और ये सिर्फ मुझ अकेली का मानना नहीं है, बल्कि ये उनका कहना है जो मेरे कीसोल ब्रांड के प्रोडक्ट्स को लगातार यूज कर रहे हैं और अन्य सभी को भी इसको यूज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए हमारे एक ऐसे ही यूजर के अनुभव को देखते हैं। किया दिया की कजन सिस्टर है, जो दिया के बर्थडे के लिए उसके घर आई है। कल शाम को दिया के लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई है और दोनों बहनें कल क्या पहनेंगी इसकी तैयारी में जुट गई हैं। कल तेरे लिए इतना खास दिन है और अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है, अभी तक तो हम पार्लर भी नहीं गए। पार्लर की क्या जरूरत है? तुझे नहीं होगी लेकिन मुझे तो है, देख लो मेरी स्किन कितनी डल लग रही है। पार्लर जैसा ग्लो हम घर पर पा सकते हैं, तो पार्लर जाने की क्या जरूरत है? ये ले तेरे लिए। ना बाबा ना, ऐसे कुछ भी मैं नहीं यूज करूंगी, इसके केमिकल से मेरी स्किन पे रैशेस हो गए तो मेरी स्किन को सब प्रोडक्ट सूट नहीं होते हैं। टेंशन मत ले, ये प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं और ये हर तरह की स्किन के लिए उपयुक्त होता है। मैं हमेशा इससे फेशियल करती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम इतना ग्लो कर रही हो, फिर तो मैं भी इसी से फेशियल करूंगी। अब मुझे बता ना, कल के मेकअप के लिए तू कौन सी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करेगी? मुझे तेरा मेकअप का सामान दिखाना। ये देख, कीसोल के शानदार प्रोडक्ट्स है ये सब। वाओ, ये सब कितना शानदार कलेक्शन है और पैकेजिंग भी कितनी अच्छी है ना। अब मैं समझी तेरी और मौसी की स्किन इतनी निखरी हुई और दमकदार क्यों है, और एक मेरी स्किन है दाग धब्बे और रूखापन, फटे हुए होठ। तेरी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है स्किन में, और ये भी मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। नहीं, इतना महंगा तोहफा?
कीसोल के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी महंगे नहीं होते हैं, बल्कि वाजिब दाम में प्रीमियम गुणवत्ता देना ही इस ब्रांड की खासियत है। फिर तो मम्मी से कहकर मैं अभी कीसोल और प्योमिनी के प्रोडक्ट्स ही खरीदूंगी। हाँ आओ चलो तुम्हारा फेशियल करते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे मेरा ब्रांड कीसोल हर घर की जरूरत बन चुका है। कीसोल ने मुझे बेहतरीन प्रोडक्ट्स ही नहीं दिए, साथ ही मुझे आमदनी कमाने का सुनहरा अवसर भी दिया। जिस दिन से मैं कीसोल के साथ जुड़ी हूँ, उसी दिन से मेरी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। शुरुआत में मैं अपने पड़ोस की दीदी के साथ हाइजीन कैंपेन्स में जाती थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कीसोल के ऑनलाइन सेशंस के बारे में बताया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। अपने लिए शॉपिंग करते करते मैं गांव, स्कूल, कॉलेज और शहरों में जाकर कई जगह अपने अनुभवों के बारे में बताने लगी। फिर निर्जरा बनी, उसके बाद अपने साथ और सदस्यों को जोड़ती गई। आज मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की आमदनी में योगदान दे रही हूँ। एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में मेरी अपनी पहचान बना चुकी हूँ। यह सब संभव हुआ केवल कीसोल के कारण। मेरा ब्रांड कीसोल अवसरों का ऐसा खुला आसमान है जहाँ पर केवल आपको अपने सपनों की उड़ान भरने की देर है। ऐसा करते ही यह आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में पूरी सहायता करता है और आपको आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाता है।